Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh. I'm a fifth year medical student at Edinburgh State Medical University. और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए. मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे लास्ट डेढ़ हफ्ते से बहुत सारे वीडियोस डाली, जिसमें कबाडी नो बश्कीर इमानुअल बाल्टिक फेडरल समारा ओरेनबर्ग नॉर्दर्न इन सब वीडियोज डाली. बाकी मैंने लिविंग मंथली एक्सपेंसेस बताया है कि कितना आपका मंथली खर्चा रशिया में आता है और कितना बजट होना चाहिए आपका, एडमिशन प्रोसेस क्या है, वो सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बनाया है. तो उसके पहले अगर आपने इसकी पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाके देख लीजिए. इन दिस वीडियो वी टॉकिंग अबाउट चुआस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. इसको भी एक लो बजट यूनिवर्सिटी बोला जाता है, लेकिन लो बजट को हाई बजट कैसे करते हैं अब मैं आपको सिखाता हूँ. ठीक है, सिखाता हूँ मतलब मैंने भी अभी आज सुबह सीखा है एक स्टूडेंट से. तो चुआस स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे नाम है चुआस, एक जगह है, सिटी है, और इसका जो कॉलेज फी है वो 1.96 लाख रूबल है. ठीक है, मतलब 2 लाख रूबल से कॉलेज फी है. लेकिन आप गेस करो, पहले साल में बच्चा यदि कोई चुआ जाता है तो सब मैस वैस पकड़ के कितना पैसा भरता होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. 2 लाख रुपए बच्चा कॉलेज फी भरता है, जो कि 2,500 डॉलर होता है लगभग, मान लो 2,500 डॉलर कॉलेज फी भरता है. फिर उससे वन टाइम चार्ज जो है चुआस में जो बच्चा जाता है उससे वन टाइम चार्ज मांगा जाता है 2500, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे हिसाब से बहुत महंगा है ये. अति $2,500 वन टाइम चार्ज, मतलब नेक्स्ट लेवल है. कोई यूनिवर्सिटी अगर 1600 के ऊपर ही ले रही है तो वही मेरे साथ $1,500 इज आई थिंक एक ठीक है. $1,500 के अगर ऊपर चार्ज किया जाए तो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से. तो यहाँ तो $2,500 है, तो लगभग ये 2,12,500 होता है. तो $2,500 मान लो आपकी कॉलेज होगी, $2,500 आपका OTC लेते हैं लोग. मैस वहाँ पे $1,200 होती है. आप किसी भी महीने में जाए, आप दिसंबर में जाए, जनवरी में जाए, मार्च में जाए, जब भी आप जाए आपको 1,00,000 रुपये उसका साल का भरना पड़ेगा. डिपेंड नहीं करता आप कब जा रहे, आपके 2 महीने आप यदि कोई बच्चा सितंबर में जा रहा है तो भी उसको $1,200 भरने पड़ेंगे. यदि कोई दिसंबर में पहुँच रहे वहाँ पे या उसका इन्विटेशन डेट आ रहा है, वीजा डेट लग रहा है, तो भी उसको भरना पड़ेगा. ये मेरे याद से मैंने किए हैं. ठीक, तो ज़्यादा आप दिमाग ना लगे, भरना ही पड़ेगा उसको. तो $1,200,000 आपका ये हो गया. तो और आपको वहाँ पे 300 पर्सनल एक्सपेंस के लिए वो लोग एक एस्टिमेट देते हैं, तो वो आप अगर अपन छोड़ दे फिर भी $2,500 ट्यूशन फी, $2,500 OTC, $1,200 मेस, और आपको $1,000 भरना पड़ता है हर साल हॉस्टल वीज़ा एक्सटेंशन और मेडिकल इश्यूज के लिए. तो 5,500 और 1,200 कितना, 6,200 और 1,000 7,200. तो यदि आप 7,200 ये जो आंकड़ा है इसको आप अगर आप डॉलर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,200 × 85 करेंगे 756, लगभग 6,00,000 रुपये होता है. 6,00,000 रुपये आपको ये होता है. फिर आपका इसको छोड़ के आपका रह गया कंसल्टेंसी चार्ज, जो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये चार्ज किया जाता है, डिपेंड्स कंसल्टेंसी के ऊपर. कोई कोई कंसल्टेंसी OTC के फॉर्म में पैसा एट लेती है, जैसे इस केस में OTC बहुत ज़्यादा लिया जाता है. कोई कंसल्टेंसी आपको सीधा सीधे बोलेगी 1,40,000 इसका चार्ज है, OTC 1,000 या 1,500 है. तो वो पैसा एटने का तरीका है. आपको कभी भी OTC और कंसल्टेंसी चार्ज मिला के देखना चाहिए कि टोटल टोटल आपका पैसा कितना जा रहा है. तो आप कभी कभी बच्चे ट्रैप्स में फॉल करते हैं कि भैया ये कंसल्टेंसी सिर्फ 85,000 कंसल्टेंसी चार्ज ले रही है, लेकिन जब मैं OTC पूछता तो भैया बोलते भैया $2,300. तो भैया ये आप ना पढ़े. जब भी आप किसी, अगर आपको किसी कंसल्टेंसी की फीस कंपेयर करनी है तो आप OTC प्लस उसका प्रोसेसिंग फी आप ऐड करके देखिए कि टोटल मुझे कितना पड़ा, क्योंकि कॉलेज फी सेम होती है, हॉस्टल फी भी ऑलमोस्ट एक यूनिवर्सिटी के लिए सेम ही होती है, चाहे वो कोई भी काउंसलर हो. यदि वहाँ पे गवर्नमेंट यदि वहाँ पे सिंगल हॉस्टल का सिस्टम फॉलो होता है, मतलब एक ही कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, एक ही कोई हॉस्टल है, जैसे यहाँ पे एक ही मेन कॉन्ट्रैक्टर है, तो यहाँ पे आप कहीं भी जाएंगे तो हॉस्टल फी आपको $1,000 आपका वीज़ा एक्सटेंशन प्लस हॉस्टल का उसका $1,000 आपको भरना ही पड़ेगा. तो यदि आप दो कंसल्टेंसी कंपेरिजन कर रहे हैं तो आप कभी भी इसी प्रोसेसिंग फी को कंपेयर मत करें. वो कितना वन टाइम चार्ज चार्ज कर रहा है प्लस कंसल्टेंसी, और इसका वन टाइम चार्ज प्लस कंसल्टेंसी कितना है. हो सकता है कि इसका जो कंसल्टेंसी चार्ज लोग एक 1,35,000 या 1,30,000 हो, लेकिन इसका वन टाइम चार्ज कम हो, तो ओवरऑल ये आपको बढ़ेगा लगभग 2 से 2.25 लाख. लेकिन अगर इसका आप देखेंगे तो ये कंसल्टेंसी चार्ज 85 के, लेकिन जब OTC ये मान लो कि $2,500 जैसे इसमें हो रहा है, तो ये आपको
3 लाख तक चले जाता है। तो आप कब आपको क्या लगता है तो बहुत कम कंसल्टेंस फील तो इससे करा दो, लेकिन आपको ओटीसी दिखता तो ओटीसी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होता है, सॉरी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड नहीं होता, वो एजेंसी टू एजेंसी वो वारी करता है। जो कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एक ओटीसी फिक्स होता है यूनिवर्सिटी के साथ बात करके, बाकी जो लोकल जो भी लोकल एजेंट्स होते हैं जिनका वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं वो अपने अपने मन से ओटीसी लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समारा, समारा का जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है उनका एक कॉलेज के साथ बना के दे हैव फिक्स वन टाइम चार्ज जो कि $1200 है। लेकिन यदि आप किसी लोकल एजेंट के पास जाएंगे जो हमारा एडमिशन करता है तो हो सकते हो कभी वो कोई आपसे 1500 चार्ज करे, 1600 चार्ज करे, तो आप थोड़ा सावधान रहे। तो अभी कभी भी दो कंसल्टेंसी कंपेयर कर रहे हैं ऑलवेज एड दी वन टाइम चार्ज एंड कंसल्टेंसी भी, दैट्स हाउ यू शुड कंपेयर। तो ये अगर आप $1000 इसमें और ऐड करेंगे तो जैसे मैंने 7200 × 85 कर दिया है, तो अगर अपन ट्यूशन फी $250, 250 OTC, 1200 mess, 1000 hostel, तो ये हो गया 7200। तो जैसे मैंने बताया कि 756 लगभग 6 लाख रुपये हो गया। इसके बाद मान लो कंसल्टेंसी आपसे नॉर्मल 1.2 लाख रुपये चार्ज करती है तो हो गया 7.2 लाख। फर्स्ट टाइम का 8 टिकट लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये लगभग लगता ही है, 50,000 मान लो, तो 7.7 लाख। आप 7.7 लाख पे आप पहुँच गए। ठीक है, बाकी और अगर बीच में मैंने कुछ छोड़ दिया हो या मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा अप्रॉक्स में किया हो, तो यदि आपको चुआश में एडमिशन लेना तो पहले साल आपका आराम से 8 लाख रुपया घुसेगा। अभी तक इसके बाद आपका सिर्फ पर्सनल एक्सपेंसिस में ऐड नहीं हुआ है, आपने 8 लाख रुपये दिया है, अब वहाँ पे पहुँचे हो, उसके बाद आपका महीने का जो खर्चा हो रहा है वहाँ पे वो अलग है। तो 2 लाख रुपये इस यूनिवर्सिटी की फ़ी थी और आप पहुँच गए 8 लाख पे, 4 टाइम ज़्यादा। तो आपका पहले साल यहाँ पे 8 लाख रुपये नहीं लगेगा, 7.5 से 8 लाख रुपये चुआश में आपको यदि एडमिशन है तो आपको लगेगा। बाद में अगले साल से आपको भरना पड़ता है $250 ट्यूशन फी और $1000 हॉस्टल। ठीक है, तो हो गया 3.5, तो 3500 × 85, तो 8 से 24 और आधा, तो लगभग 2,70,000 या 2,80,000 मान लो, रफली 2,80,000। तो 2,80,000 आपको चुआश में हर साल लगेगा, तो 2.5 लाख रुपये आपको चुआश में हर साल लगेगा हॉस्टल पकड़ के सेकंड ईयर से। लेकिन अगर पहले साल जा रहे हो तो 8 लाख रुपये लगता है। बाकी हॉस्टल्स यहाँ पे 2-सीटर, 3-सीटर, 4-सीटर अवेलेबल है। हॉस्टल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब हॉस्टल है, उतनी की जो बच्चों को पहले दिखाया जाता है उस हिसाब से हॉस्टल बहुत ख़राब है। ये सब मैंने एक स्टूडेंट से बात करके बता रहा हूँ, तो उसने बोला है कि हॉस्टल कंडीशन बहुत ख़राब है, जो पहले बताया गया था उसके हिसाब से हॉस्टल नहीं है। चुआश में 5 to 6 बैचेस पास आउट हो चुकी है और यहाँ पे दिक्कत एक ये भी चीज़ है कि यहाँ पे मैंने सुना है कि फीस के लिए बहुत डराते रहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ये जल्दी फीस भरो। तो अब ये इसको गलत नहीं बोल सकते, लेकिन बच्चों में ये डर नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फीस तो आपको भरनी है, अगर आप ये आप बाहर पढ़ने हो तो आपको फीस भरनी पड़ेगी, आपको डेडलाइन भी दी जाती है, लेकिन अननेसेसरी उसका आप पे दबाव नहीं बनना चाहिए कि आपको फेल कर देंगे। अगर एक डेट अगर आपको बताई गई है उस वक्त बच्चों को वार्निंग आप दे सकते हैं कि आप इतने इतने में फी पे करिए ऐसा, लेकिन हर डेट के पहले ही आपको धमकाना कि भर दो तो गलत है। बाकी चुआश में आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहना पड़ता है, बाकी सेकंड ईयर से आप अपार्टमेंट में बाहर रहने शिफ्ट हो सकते हैं। तो सारे जो बच्चे हैं सेकंड ईयर के वो पटापट फ्लैट देखकर यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से निकल के भागने के लिए, उस हॉस्टल से बाहर निकल के बाहर रहने के लिए सब लोग ट्राई करते हैं। अभी तो नाम की एक साइट है जहाँ पर आपको बहुत सारा सामान मिलता है, फ्लैट मिलता है, मतलब आपको इसमें रेंट पता चलता है, तो सब लोग वहाँ पर मैंने सुना कि अभी तो अपने फ्लैट देख रहे हो, सेकेंड डे के सब लोग बच्चे भागने को मतलब कि यहाँ से निकलना है बस, तो इतना हॉस्टल का सीन वहाँ पर ख़राब है, उतना अच्छा है नहीं। तो ये है, और यूनिवर्सिटी ऐसे कोई बहुत खास नहीं है या उसका FMG पासिंग परसेंट बहुत तगड़ा हो या वो सिटी बहुत तगड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं है, दस नथिंग स्पेशल इन द यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर इसका बजट आप कैलकुलेट करें तो पहले साल का 8 लाख रुपये, बाद में हर साल 3-3 लाख रुपये ऑलमोस्ट, तो 3×5=15, 15 और 8 कितना 23 लाख रुपये आपका ये हो गया। तो उसके बाद आपका पर्सनल एक्सपेंस, तो 23 लाख प्लस पर्सनल एक्सपेंस, तो हर साल का अगर आप 1 लाख भी खर्च करते हैं तो 6 साल का 6 लाख, 23 + 6 = 29 लाख, और यदि आप घर आना जाना करते हैं तो हर साल का 50,000 रुपये आना जाना, तो 5 साल का 2.5 लाख, तो 29 + 2.5 31.5, तो 31.5 लाख आपका लग जाएगा। तो ये कोई मीडियम बजट है नहीं। सोचो जो यूनिवर्सिटी का फी 2 लाख रुपये है, ट्यूशन फी जिसका 2 लाख बताया जाता है, उसका बजट आपका 6 साल का सब मिला के आपका
लगभग 31.5 लाख तक जा रहे हैं। तो ये को सिनारियो है यदि, और अगर आप मेरा सजेशन पूछेंगे तो आई वोंट सजेस्ट चुआश फॉर यू, क्योंकि पहले साल का जो मैंने 8 लाख सुना है, पहले साल का 8 लाख तो मेरे यहाँ भी लगता। मैं तो मेरे कॉलेज की फी है 5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये कंसल्टेंसी, 6 लाख, ठीक है। और बस आपका एयर टिकट लग जाएगा एक बार का आने का 40,000 का, 6.5 लाख, दैट्स ऑल, 6.5 लाख रुपये लगता है, 8 लाख तो फिर भी नहीं छोड़े ऐसा है। और अगर आप 1 लाख की मैच बैठ के तो भी 7.5 लाख, तो मेरे छोटे की फी भी तो 5 लाख है ना, 3 लाख ज़्यादा है चुआ से, तब जाके मैं 7.5 पे पहुँच रहा हूँ। इन लोग की फी 2 लाख होके भी ये लोग 8 लाख फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट चार्ज करते, तो ये बहुत महंगा है। आई थिंक ओवर चार्ज हो रहा है यहाँ पे, बच्चे अननेसरी स्टाफ में फंस रहे कि लोबेट हो लोबेट है, लेकिन अगर आप बैठ के फरा कैलकुलेट करेंगे 31.5 लाख तक आप पहुँच रहे। तो बाकी मेरा रिव्यू लेंगे तो आई वोंट सजेस्ट दिस यूनिवर्सिटी, मेरे को फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा इसका महंगा लगा, बाकी एजुकेशन का इट्स ठीक ठाक, एजुकेशन का उतना मेरे को आइडिया है नहीं, उतना बताया नहीं, लेकिन पहले साल का चार्ज देख के ही मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई बहुत हो गई। तो यदि आपको, अगर आपको 31.5 लाख का बजट है तो फिर आपको 30 लाख में तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, यही सब मैं चीज़ आपको बता सकता हूँ कि हॉस्टल कैसा है ये वो। बाकी अगली वीडियो किसी और यूनिवर्सिटी पर आएगी, जिन जिन बच्चों ने लिखा है कजान फेडरल, कजान स्टेट, फार ईस्टर्न, सेंट पीटर्सबर्ग, केमरोवो, उराल, हर चीज़ पे वीडियो आएगी, धीरे धीरे आएगी, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए।